एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग रंजीता न्यूज ब्लॉग। तभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना ये वाला कुर्ता और आज मैं जा रही हूँ फाइनली अपने मायके से, गांव वाले मायके से। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर है वो, और क्यारा और बड़े वाले जीजू जा रहे हैं। हम सब लोग जा रहे हैं आज, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। रेडी हो चुकी हूँ मैं और यहाँ पे जाते जाते दादी ने मुझे बोला कि पानी पिला दो, आप पता नहीं कब मिलोगी कब नहीं, कुछ पता नहीं है। जितने दिन तक थी उतने दिन तक बहुत ख्याल रखती थी, एक आवाज़ में सुन लेती थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मेरी दादी और मैं भी रोई थी बहुत ज़्यादा दादी के लिए, क्योंकि अब पता नहीं, दादी का भी उम्र हो रहा और बीमार भी रहती है, तो अब पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी नेक्स्ट टाइम, कुछ पता नहीं है। यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग स्टेशन पे और आधे घंटे रह गया था ट्रेन का, आधा घंटा पहले पहुँचे थे हम लोग। और यहाँ पे सब लोग अपना अपना फ़ोन में लगे हुए थे और क्यारा यहाँ पे बार बार इधर उधर भाग रही थी। क्यारा को मैं पकड़ने में लग रही थी और क्यारा के मामू क्यारा को चिप्स दिला के लाए थे, तो क्यारा को थोड़ा सा बिजी कर दिया था, क्यारा खाने में लग रही थी। और यहाँ पर सब लोग खड़े थे, ट्रेन हमारी आने वाली थी, वेट कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे दीदी की लड़की मिल गई थी, हमारे साथ ही आई थी वो गांव से ट्रेन में, तो क्यारा उसके साथ खेल रही थी, थोड़ा थोड़ा पहचानती है क्योंकि बिजवासन आती है तब भी मिलती है और वहाँ पे गई थी तो मिली थी ये, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ मस्ती कर रही थी क्यारा। यहाँ पे सामने ट्रेन रुकी हुई थी तो यहाँ पे एक पेड़ था सामने, उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, मैंगो, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग उतरे थे आनंद विहार स्टेशन पे, तो यहाँ पे बाहर का व्यू है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि एक बार में सारा सामान हमारा नहीं आ पाया था, तो कुछ सामान लेके आए थे यहाँ पे रखा था और कुछ सामान जो रह गया था वो लेने के लिए गए थे वापस, तो उसके लिए वेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग घर, और घर पहुँचने के बाद आप लोग हालत देख सकते हैं कैसी हालत हो रही है, बिल्कुल मैं तो पहचान में ही नहीं आ रही हूँ अपने आप को कि मैं खुद हूँ, मतलब ऐसी हालत हो जाती है। यहाँ पे हम लोग घर आए थे तो हमारा फ्रिज ख़राब हो रखा था, फ्रिज ख़राब क्या मतलब फ्रिज का गैस निकल गया था, तो वही भैया को बुलाया था ऑनलाइन गैस भरवाने के लिए, तो आए हुए थे तो यहाँ पे ये काम कर रहे थे पूरा प्रोसेस, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि कैसे कैसे कर रहे थे यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से कर रहे थे, पता नहीं तार वार काटा इन्होंने, फिर उसमें गैस भरा, फिर ज्वाइंट किया, सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड किया था लेकिन मैंने ब्लॉग में थोड़ा सा ही डाला है। ये क्यारा क्यारा आमिस खा रही है, मौसू जा रही है, क्यारा जाओगी मौसू के साथ? क्यारा मौसू के साथ जाओगी? ये लीजिए। अरे 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 क्यारा, क्या तुम मौसू के साथ जा रही हो? ले जाएंगे वो लोग दोनों, जेब में धर ले बड़ी हो दे। एक भैया सन के दे दी, ले जाएगा आयुष, कहाँ गया? ले जाएगा
तुम अपना फोन रख लेना। नहीं नहीं तुम बैग ले लो, दे दे जाता रहा। चलिए मेरे से। यहाँ पे मेरी सिस्टर जा रही थी, जो मेरी कजन सिस्टर आई थी वो हमारे साथ ही आई थी। इनको जाना था पंजाब, तो इनके हस्बैंड आए हुए थे लेने के लिए, तो ये जा रही थी नेक्स्ट डे। तो मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इस व्लॉग में मैं, तो मैंने सोचा चलो इसी में ऐड कर देते हैं, तो इसी व्लॉग में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे चल रहा था इनका भेंट मुलाकात, और यहाँ पे आ गई थी इनकी गाड़ी। अब फाइनली ये लोग बैठ गए हैं, जा रहे हैं, चली गई। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड सिस्टर हम चली गई। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। काफ़ी अच्छे से ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो ब्लॉग को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी नया कंटेंट नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाए, आप देख सको। और यहाँ पे हमारा रोड पूरा ख़राब हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पाइप वगैरह लग रहा है, तो गड्ढे खुदे हुए हैं, पाइप वगैरह सेट कर रहे हैं, तो इसलिए रोड थोड़ा ख़राब सा दिख रहा है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।